वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चों को शेप्स कैसे सिखाएं, 2D एंड 3D शेप्स में अंतर उन्हें कैसे समझाएं। जैसे ये पेपर है, पेपर जो है इसको हम 2D शेप्स बोल सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर है, इसके दो जो एजेस हैं, दो किनारे हैं एक साइज के हैं और जो दो किनारे हैं एक साइज के हैं, तो ये पेपर रेक्टेंगुलर है और जिसमें थिकनेस बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल ही थिकनेस कोई नहीं है। मतलब कि 2D शेप में सिर्फ हाइट एंड विड्थ, इसमें थिकनेस बिल्कुल नहीं होता, तो उसे 2D शेप्स कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी पिक्चर जो 2D शेप में हो, सिर्फ उसकी हाइट और उसकी चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें थिकनेस बिल्कुल नहीं आती, तो उसको 2D शेप्स कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे शेप्स मैंने बना रखे हैं, ये सर्किल हो गया, ओवल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागोन, स्टार, स्क्वायर, हार्ट, एरो, सेमी सर्किल, डायमंड, क्रॉस, इस तरह के शेप्स, ये 2D शेप्स में आते हैं जिसमें कि थिकनेस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसकी हाइट एंड विड्थ होती है, इसमें मोटाई इसकी बिल्कुल नहीं होती है, तो ये 2D शेप्स कहते हैं इसको। 3D शेप्स वो होता है जिसमें थिकनेस होती है। जैसे बॉल आप ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें थिकनेस हो, जिसकी हाइट हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो और उसकी मोटाई हो, तो उसे हम 3D शेप्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिलेंडर, क्यूब, कोन, ऐसे और भी बहुत सारे शेप्स हैं जो 3D शेप्स में आते हैं। जिसमें भी मोटाई होगी वो 3D शेप्स में आएगा, लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई जो भी है उसकी, तो वो 3D शेप्स कहलाएंगे। अब जैसे ये स्केल है, ये स्केल्स में लंबाई है, इसकी हाइट है, विड्थ है एंड थिकनेस भी है, तो ये 3D शेप्स में है। थिकनेस है, कम है लेकिन इसकी थिकनेस है। तो अगर यही थोड़ी मोटी चीज़ होती, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, ये डस्टर है, इसकी हाइट भी है, इसकी चौड़ाई भी है एंड इसमें थिकनेस भी है, तो ये 3D शेप, इसको 3D शेप कहते हैं। इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों के साथ समझा सकते हैं कि 3D शेप और 2D शेप में, 2D शेप जो भी डायग्राम्स जो बनाते हैं जनरली हम इस तरह के, ये सारे जो 2D शेप्स में है, इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सर्किल ड्रॉ किया, ओवल ड्रॉ किया, ट्रायंगल, जिसमें भी तीसरा जो हम उसकी मोटाई अगर शो करते हैं तो वो 3D शेप हो जाता है। इसकी हम मोटाई इसमें शो करें, सिलेंडर है तो इस यहाँ पे मैंने सर्किल बनाया, तो ये शेप्स, उससे पता चल रहा है कि ये सिलेंड्रिकल है तो इसकी मोटाई हम शो कर रहे हैं। अब जैसे इसको स्फेयर, 3D शेप्स जो सर्किल जैसे होते हैं उसको स्फेयर कहते हैं, जिसमें मोटाई हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने ये शो किया जैसे बॉल में होते हैं, तो ये स्फेयर हो गया, ये 3D शेप्स हो गया। जैसे ये सर्किल है तो ये बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ फ्लैट सर्किल बनाया है, तो इसे सर्किल हम कहेंगे। यहाँ क्यूब है, इसमें इसकी मोटाई मैंने शो की है इसमें, इसलिए ये क्यूब है। इस तरह से ही यहाँ पे जैसे फ्लैट सिर्फ चार इसके ऐसे दिखाए मैंने, तो ये स्क्वायर हो गया कि इसकी चौड़ाई एंड ऊंचाई शो हो रही है, इसमें थिकनेस बिल्कुल ही नहीं दिख रही है, यहाँ पे मैंने इसमें थिकनेस दिखाई है, तो इसे क्यूब कहते हैं और ये 3D शेप्स हो गया। इस तरह से बच्चों को आप डायग्राम से भी सिखा सकते हैं और प्रैक्टिकली भी कोई भी चीज़ लेके आप सिखा सकते हैं उन्हें कि 3D शेप एंड 2D शेप्स क्या होते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।